इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी आए, मांगे, चक्रवर्ती जी ने मना कर दिया। क्यों? ऐसे कोई कुछ देता है क्या? देखिए, देने वाले को कम समझदार नहीं समझना है। देने वाला भी जब जान जाएगा कि बढ़ेगा तभी देता है। किसान भाई गेहूं घर से निकाल करके माटी में फेंक देता है, ऐसे फेंक देता क्या? किसान भाई जानता है कि एक गेहूं फेंकेगा तो 100 होगा, और मेरा भगवान 100 करता भी है। कृषक के विश्वास का रक्षण भगवान करता है। हम लोग कुंभ में अपनी अपनी सेवा समर्पित करने आए, हम लोग कम चतुर हैं क्या? हम लोग जानते हैं कि भगवान के इस पावन पर्व पर कथा सुनाएंगे तो हमारी कथा को सिद्धि प्राप्त होगी। हम भी सेवा समझदारी से कर रहे हैं। आप भी जानते हो कि सब जगह कथा सुनने से अधिक तीर्थ में कथा सुनने का फल अधिक है। हर न फिटकरी रंग चोखा। श्री स्वामी जी कह रहे थे कि सुना कि तुम्हारी कथा चल रही है, तो मैंने कहा चलो कुंभ भी हो जाएगा और भैया के मुंह से राम कथा भी सुन लेंगे। अरे मेरे पर कृपा बरस गई। नहीं तो ये तो ऐसे महापुरुष हैं, ढूंढे नहीं मिले, आश्रम तक में नहीं मिलते। कब झोली कब कहाँ चली जाए साहब, भरोसा नहीं। एक बार सरकार कानपुर आए तो मैंने टेलीफोन किया, सरकार कहाँ है? बोले हूँ तो यही बेटा, लेकिन अभी निकलना है, बड़ा कठिन है, मिलना कठिन है। चरण में चक्र है, रुकने का तो नामे नहीं लेता चरण साहब, चलते ही रहते हैं। लेकिन इस बार लखनऊ में दर्शन करूँगा। 31 अक्टूबर की कथा में सरकार वहीं है, दर्शन करेंगे। अद्भुत महापुरुष साहब, ठीक ऐसे ही विश्वामित्र बाबा मांगने आ गए क्या? अरे राम राम। आप बताओ, आजकल के माता पिता के तो भगवान रक्षा करे, कोई अपने प्राण से प्यारे बच्चों को देगा किसी को क्या? और तो और, प्राण से प्यारे बच्चों को देगा ही नहीं। आज तो लोग जबरन दे देते हैं, ले जाओ हमारा लड़का तुम पढ़ाओ, लड़का हमार पढ़ावे मंगरू, होता है क्या? तो नहीं होता है। चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं, महाराज चौथे पन पायहु सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहेउ बिचारी। अरे महाराज आपको बोलना नहीं आता? बुढ़ापे में तो हमको चौथे पन में ये चार पुत्र मिले, आप कहते हो दे दो सब सुत प्रिय मुहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं। कौन देगा? राम जी देने योग्य हैं क्या? धन ले जाइए महाराज, गौ ले जाइए, सेना ले जाइए, शरीर से बड़ा कुछ नहीं, प्राण ले लीजिए। राम नहीं, राम नहीं दूंगा। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, चक्रवर्ती जी रोने लगे और कहने लगे, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, हम मुनिनाथ मरते मेरे प्राण रहेंगे, मेरे प्राण रहेंगे, यह दान करते करते
साथ चले। कहां मेरे लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करे लड़ाई, कैसे करे लड़ाई, इधर प्रभु को देते बनता न दूंगा। कौन नहीं देगा? मैं न दूंगा। बात फंस गई। राघव को मैं न दूंगा। अरे भाई, आप तो तब देंगे जब आप पाए होंगे। आनंदित होइएगा, बड़ी अच्छी बात स्मरण में आ गई, अभी अभी आई है। हम तब तक वस्तु भगवान का मानते हैं, सद्गुरु का मानते हैं, इष्ट का मानते हैं, जब तक हमको न मिल जाए। गुरु महाराज कृपा करो, तकिया मिल जाए, तकिया मिल जाए। और कदाचित गुरुवे महाराज कहें, बेटा जरा तकिया दे दो। गुरु महाराज एक ही तो है। अरे बेटा, हम ही ने तो तुमको दिया है। तो गुरु महाराज आप दो देते, अब चेला बुद्धिमान हो गया। तकिया नहीं थी तब तक बुद्धिमान नहीं था, जैसे तकिया मिली वैसे उसकी बुद्धि प्रखर हो गई और गुरु महाराज द्वारा दी गई तकिया को भी अपना मान लिया। चेला बुद्धिमान। जब चेला बुद्धिमान होता है, गुरु भी तो, गुरु तो दयावान होता है। गुरु जी ने जिस मंत्र से तकिया दिया उसी मंत्र से छुआ तो गायब हो गया, चेला फिर खाली खड़ा है। गुरु को तो दया मूर्ति दया आ गई। क्या बेटा? गुरु जी तकिया गायब हो गई, बोले भगवान ने तकिया दिया, इसी पर सो जाओ। ये जीव का स्वभाव है, जब तक नहीं मिलता है यह मंदिर, ओह भगवान, ये सदगुरु, वे संत, और मिलते अपना मान लेता है, ये तो मेरा है, मैं न दूंगा। अरे भाई, मैं कहां, आपका है ये नहीं तो आप देंगे कहां से, ये कहां से मिले? अरे चौथे पन पायऊ सुत कंठस्थ है, तो गुरु जी ने कहा था धरहु धीर होई नहीं सोत जारी। धीरज रखिए राजन, आपके चार पुत्र होंगे। जब चार बोले ना तो गुरु जी महाराज की ओर विश्वामित्र बाबा का स्मरण गया, और तो वशिष्ठ भगवान की ओर देखकर विश्वामित्र भगवान ने कहा, महाराज समझाइए चेले को। तो चक्रवर्ती जी महाराज के चित्त में एक बात समझ में नहीं आई। कैसे आएगी, मिल गया है तो? तब गुरु वशिष्ठ भगवान को अनेक बात समझा कर, बना कर, फुसला कर, सिखा कर कहनी पड़ी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझा
कैसे प्राप्त है राजन, यज्ञ रक्षा के लिए दे दीजिए। देखो भैया, आदमी को ले लीजिए तो समझ में जल्दी आता है। हमारे एक मित्र हैं, वो गुजरात में रहते हैं, तो घर जाते हैं, 7 दिन रहते हैं, तो जब चलने लगते हैं तो अपने पिताजी को जो पैसा ले जाते हैं वो देते हैं। तो एक बार मैंने उनसे पूछा, आप घर जाते हो तो बाबूजी को पैसा कब देते हो? बोले जब चलने लगते हैं तब। तो मैंने कहा ऐसा करो कि जाते ही दिया करो, जिससे जब तक रहो तब तक बाबूजी कम से कम दूध मंगा कर तुम्हारे दही जमाया करें। आप लोग भी जहां जहां रुके हों तो मंदिर के महाराज को जाते ही जमा किया करो। क्यों? आप रहोगे तभी ना खर्चा होगा। मेले के बाद चले जाओगे तो यहाँ तो ठंडन गोपाल क्या खर्चा है जी, गुरुद्वारे में क्या खर्चा है, वो तो ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं। घर में भी जाओ तो पिताजी को, सदगुरु, कहीं भी जाओ तुरंत पकड़ाओ महाराज जी ये सेवा में। ना आदमी को मांगना तो तत्काल आता है, लेना फटाफट, आपने दिया नहीं लेकिन देना साहब। तब वशिष्ठ बहु विधि सम, गुरु जी ने कुंडली विचार समझाया। मैंने कुंडली देखा है, राम जी की कुंडली में ऐसा योग है जब किसी ऋषि मुनि के साथ जाएंगे तो इनका शीघ्र विवाह होगा। प्रदेश तो बहु विधि महाराज, हमने इनको शिक्षा तो दे दी, अब आयुध की दीक्षा शेष है वो विश्वामित्र जी महाराज को पता है। अस्तु भेजिए राजन, आप धर्म की धुरी को धारण करते हैं। कलिकाल में जो है, द्वापर में जो है, त्रेता में ये है, वो है धर्म प्रधान यज्ञ। यज्ञ के निमित्त मांगने आए हैं, आप धर्म की धुरी को धारण करते हैं, आपके पुत्र धर्म रक्षण में जा रहे हैं। अस्तु भेजिए बहु विधि सम, तब नृप संदेह नाशक अति आदर दो तनय बोला। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।